फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम हमारा जो चैप्टर थर्ड का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, हम ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, वो भी हमने डिस्कस किया है। और जो कल हमने टॉपिक दिया था वो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, या आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी बोलो या एनर्जी बोलो। आज हमारा जो आज का ये टॉपिक है, इट इज द ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिस फिजिकल प्रॉपर्टी की ट्रेंड पढ़ने जा रही है जाएंगे या जा रहे हैं इन द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल, इस फिजिकल प्रॉपर्टी की, आ चुकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे कहते हैं, यानी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और उसके बाद जब हमें डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डियर स्टूडेंट्स पता चलेगी, तो उसके बाद हमारा टॉपिक ट्रेंड होगी। ट्रेंड दो किस्म के होते हैं, मैं फिर भी कर रहा हूं, एक डिक्रीज और एक इंक्रीज। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जिस तरह हमने कल बताया था आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस ये है कि वहां पर जो डेफिनेशन थी, इट वॉज द अकॉर्डिंग टू दैट आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूज्ड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द छठ आयन। यानी कितनी एनर्जी हमें चाहिए कि हम वैलेंस शॉल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज करने में, रिमूव करने में कितनी हमें एनर्जी चाहिए, उसको हम बोल रहे थे दैट वॉज आयनाइजेशन एनर्जी। और उसमें क्या, उसमें इसमें वहां पर एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन यहां पर एनर्जी लॉस होती है। वहां पर जो आयन बनता था वो था छठ आयन, लेकिन यहां पर जो आयन बनता है वो है एनायन। वहां पर जो प्रोसेस हो रही थी वो थी ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो प्रोसेस हो रही है डिफरेंस है यहां पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिफिनेशन के मुताबिक इसकी डिफिनेशन, इसकी जो हेडिंग है उसी से हमें पता चलता है, इट इज द इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस मैन डिफिनेशन। अब हम लिखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं जो हमने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखी है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एमिटेड या लॉस, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो गई है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडस टू, वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और लॉस और एमिटेड, जो भी आपकी मर्जी है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, यानी जब क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है टू ए न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन, दैट इज कॉल्ड एनायन। यानी कितनी एनर्जी हमें चाहे, हमें कितनी एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी हुई है जब हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को एक न्यूट्रल एटम में एडप्ट किया है टू फॉर्म द आयन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इसको आसान तरीके से आप इस तरह भी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, इट इज द मेजर ऑफ द एनर्जी, कितनी हमें एनर्जी चाहिए टू एड अप एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। हमें कितनी एनर्जी रिलीज हो गई है जब हमने क्या, इलेक्ट्रॉन को एडप किया है टू द न्यूट्रल एटम टू फॉर्म द एन आयन। इस तरह मैंने एक जनरल रिएक्शन दिखाई है इधर बोर्ड पर, एक न्यूट्रल गैसेस एटम मैंने लिया है और इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन जब इसने किया है, क्योंकि जब कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी क्या करता है, गेन या लॉस, वो एनर्जी लॉस करता है, इमिट करता है,
और बनता है, वजूद में आता है एक एनायन, दैट्स एन आयन, एक एक आयन, और एक इस आयन को हम बोलते हैं एनायन, क्योंकि क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो जो जब इलेक्ट्रॉन जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो वहां पर जो आयन बनता है उसे हम एनायन कहते हैं, और यहां पर मैंने लिखा एनर्जी लॉस हो गई है और इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। फिर मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दी है, यहां पर क्लोरीन जिसका एटम नंबर 17 है, आउटर मोस्ट में इसमें इसमें सात है, और इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है और ये स्टेबल हो गया है और ये बना है क्लोरीन, न्यूट्रल क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन बन गया, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और ये स्टेबल हो गया और एनर्जी लॉस हो गई है। देखा गया है इन जनरल, नॉट इन पर्टिकुलर, इन जनरल ईए मींस जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज डिनोटेड बाय ईए और डेल्टा ईजीए, डेल्टा ईजीए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे हम डिनोट करते हैं, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ केजी पर मोल, किलोग्राम पर मोल। जनरल में देखा गया है ये कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज नेगेटिव, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जनरली जो वैल्यू होता है, जिस तरह हमने कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसका मैक्सिमम जो वैल्यू आता है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ही है, मतलब यहां पर जो मैक्सिमम इसकी जनरली देखा गया है इसका वैल्यू नेगेटिव होता है, बिकॉज एनर्जी जो होती है क्योंकि वो रिलीज होती है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडॉप्टेड टू द न्यूट्रल एटम, क्योंकि जब न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन हम यानी एडॉप्ट करते हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी जब लॉस होती है, लॉस के रिलेटेड हम इसको इसका वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जितना किसी भी एटम का जितना नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो उसनी उसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसकी इतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये हुआ है कि वहां पर क्या है वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रही है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडॉप्टेड टू द न्यूट्रल एटम। देखा गया है हमारे पीरियडिक टेबल में हैलोजन्स हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो हमारे हैलोजन्स है उनमें वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और नोबल गैस में यानी नोबल गैस में गैस हैव वेरी लो यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनमें वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसका वैल्यू तो मैक्सिमम जनरली नेगेटिव होता है, और नोबल गैस में वेरी लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज दे हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी वहां पर क्या है हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन, ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि वहां पर यानी इसका मतलब लो नेगेटिव चार्ज, लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है दैट इज हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, ज्यादा से ज्यादा जो हमें क्या इलेक्ट्रॉन को अडॉप्ट करना पड़ता है हमें, और एनर्जी क्या होती है एनर्जी जब एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लॉस होती है यहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना पड़ता है एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मोर द नेगेटिव वैल्यू जितना नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है उतना मोर विल बी द ईए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। आपको यानी सिंपली अगर याद रखेंगे जिस एलिमेंट का जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है उसकी उतनी ज्यादा क्या है उसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, यहां पर इसका मतलब यह कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेस अप टू द न्यूट्रल गैसियस एटम। और अब ट्रंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रंट दो किस्म की होती है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज विद इन द ग्रुप एंड विद इन द पीरियड, क्योंकि हमारे पीरियड टेबल में को दो हिस्सों में तकसीम किया है ग्रुप्स और पीरियड्स में, यानी मैंने लिखा है इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस दैट मींस बिकम्स मोर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का असली अपना जनरल वैल्यू है नेगेटिव जो मैंने अभी बताया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस दैट मींस बिकम मोर नेगेटिव एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियड टेबल, जब आप पीरियड टेबल में यहां पर मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है जो यानी पीरियड सेकंड की है, पीरियड सेकंड में जो एलिमेंट्स आते हैं ये आपको पता ही है लिथियम है बेरिलियम है बोरोन है कार्बन नाइट्रोजन वगैरह वगैरह ऑक्टेनियन स्टेबल एलिमेंट है, और क्योंकि इसकी जो हमने इधर दिखाई है पहले इसका जो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए हैं, और यहाँ पर इसके हमने मैंने दिखाया है इसका इसकी जो ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मैंने दिखाई है, लिथियम की मैंने दिखाई है माइनस
60, इसकी प्लस 60 है यहाँ पर, यानी माइनस का वैल्यू इंक्रीज ही होता चला जा रहा है यहाँ पर। किसी भी शेयर में बेरिलियम का वो प्लस 66, इसका मतलब है कि इसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी लो है, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये इसमें नहीं आता है। दिस इज बिकॉज ये क्यों इंक्रीज होती चली जा रही है, नेगेटिव वैल्यू क्यों इंक्रीज होता चला जा रहा है। नेगेटिव वैल्यू का इंक्रीज होने का मतलब यह है कि यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों इंक्रीज होती चली जा रही है, इसके पीछे क्या राज है। This is because Zr EHF, that means effective nuclear charge increase across the period. क्योंकि across the period जो है वो effective nuclear charge increase हो रही है, nucleus की पकड़ जो है outermost electrons पर ज्यादा से ज्यादा हो रही है। क्योंकि यहाँ पर आप atomic number भी देखेंगे, atomic number 3 है, इतने atomic number increase, एक एक atomic number increase हो रहा है from left to right, और shells में कोई increase, shells को same ही रहते हैं। जब एक ही electron इसी shell में जाएगा, वहां पर जो nuclear charge है वो बढ़ती चली जाएगी, वो जारी effect बढ़ती चली जाएगी, effective nuclear charge बढ़ती चली जाएगी, nucleus में number of protons भी बढ़ते चली जाएंगे, और पकड़ ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, और इट मीन इट इंक्रीजेस एज वी मूव। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, दैट मीन्स बिकम लेस नेगेटिव, दैट मीन्स जिसकी ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी, इसका मतलब है वहां पर वो इतना उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है। इट डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियड टेबल। यहां पर भी मैंने एक एग्जाम्पल दी है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की, हाइड्रोजन है, लिथियम है, अप टू द लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम एंड सेल्सियम। इसके एटॉमिक नंबर्स भी मैंने दिया है, इसके एटॉमिक नंबर्स में कितनी यानी ह्यूज इंक्रीज हो रही है। वन पहले का जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और लास्ट का जो यानी एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 25 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ यानी एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें ह्यूज चेंज आ रही है, और इसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा, और जारी एफएफ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, और इसी वजह से बिकॉज द डिक्रीज इन द जेड ईएफएफ यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगी तो ईए डिक्रीज हो जाएगा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगी और ईए भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसके बाद जो हम ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट दो ट्रेंड्स हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो भी एक ट्रेंड है, और उसके बाद बैलेंस ही है। टिल देन खुदा आज का बस इतना ही टॉपिक है, और टिल देन खुदा।